And I wish you all the very best for your bright future. I believe that this convocation and graduation ceremony is a culmination of excellent results brought about by your persistence, resilience, and determination. यूनिवर्सिटी ऑफ आज़ाद जम्मू कश्मीर में किंग अब्दुल्ला यूनिवर्सिटी कैंपस सऊदी अरब के तामन से कायम किया गया और ये कि मुमलिकत सऊदी अरब और आज़ाद कश्मीर के अवाम के दरमियान दोस्ती की अलामत के तौर पर खड़ा है। अहवाले कश्मीर के प्रोग्राम के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान अरफान अकरम। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे किंग अब्दुल्ला छतर क्लास कैंपस के हवाले से, जो मुजफ़राबाद शहर से 21 किलोमीटर के फासले पर वाक़िया है। इस कैंपस में एकेडमिक एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक, लाइब्रेरी, मस्जिद, स्टेट ऑफ द आर्ट आडिटोरियम, मर्द व ख़वातीन और फैकल्टी मेम्बरान के लिए अलग अलग हॉस्टल और दीगर बुनियादी सहूलतें दस्तियाब हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ आज़ाद जम्मू कश्मीर 2005 के जलजले में मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई थी, जिसके बाद यूनिवर्सिटी में तदरीसी अमल आर्जी तौर पर तातल का शिकार हो गया। दोस्त मुल्क तुर्की की जानब से हुकूमत आज़ाद कश्मीर को शेल्टर फराहम किए गए, जिसमें तदरीसी अमल दोबारा शुरू किया गया और बाद अज़ा सऊदी गवर्नमेंट और किंग अब्दुल्ला ने खुसूसी तामन से छतर क्लास में जदीद सहूलियात से आरस्ता यूनिवर्सिटी की तामीर का आगाज़ किया गया। यह कैंपस 2005 में तबाह होने के बाद तामीर किया गया। इस कैंपस में 2020 से तदरीसी अमल का आगाज़ किया गया। जदीद सहूलियात से आरस्ता हॉस्टल की सहूलत के अलावा यूनिवर्सिटी में ट्रांसपोर्ट की रोज़ाना की बुनियाद पर तलबा को मुजफ़्फ़राबाद शहर से कैंपस के दरमियान लेके आती जाती हैं। आज यहाँ पर 19वां क्वालिफिकेशन मुनक़द किया गया है। जी नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ किंग अब्दुल्ला यूनिवर्सिटी में और मेरे साथ इस वक्त मौजूद है आज़ाद जम्मू कश्मीर यूनिवर्सिटी के वीसी कलीम अब्बासी साहब। हम इनसे पूछते हैं कन्वोकेशन के हवाले से क्या कहेंगे सर? ये हमारा जो 19वां कन्वोकेशन है, हर साल एट द एंड ऑफ द ईयर हम लोगों को जो हमारे स्टूडेंट्स फारिग होते हैं, 4 साल BS प्रोग्राम के हैं, MPhil स्टूडेंट्स होते हैं, PhD स्टूडेंट्स हैं, तो उनको जो उन्होंने यहाँ मेहनत की, जो उन्होंने टाइम गुजारा, इन द फॉर्म ऑफ उनको जो रिवार्ड हम देते हैं इन द फॉर्म ऑफ डिग्रीज एंड ऑनर्स एंड डिस्टिंक्शंस एंड गोल्ड मेडल्स, उसके लिए एक कन्वोकेशन है। आज ये इस यूनिवर्सिटी का 19वां कन्वोकेशन है। इसकी चेयर कर रहे हैं हमारे चांसलर बरेस्टर सुल्तान महमूद साहब। तकरीबन 8000 के करीब हम डिग्री दे रहे हैं, इसके अलावा प्राइवेट कैंडिडेट उनको भी डिग्रियाँ हम अवार्ड कर रहे हैं। सऊदी हुकूमत की जानब से ये तोहफा दिया गया था, ठीक है, तो क्या कहते हैं कि उसमें इसमें जदीद सहूलियात के हवाले से आप ये कैंपस आप देख रहे हैं, इसका इंफ्रास्ट्रक्चर दे रहे हैं, इसकी लोकेशन देख रहे हैं, ना सिर्फ ये एक यूनिवर्सिटी का एक कैंपस है या यहाँ एकेडमी के रिसर्च एक्टिविटीज़ होगी, बल्कि अगर आप इसकी बनावट देखें, इसकी खसास देखें, इसकी लोकेशन देखें, तो यू विल रियलाइज़ कि ये एक पार्किंग स्पॉट और एक व्यू पॉइंट बन चुका है रियासत के अंदर। एक बेहतरीन कैंपस है इंफ्रास्ट्रक्चर के एतबार से, और फिर सऊदी ने ना सिर्फ इस कैंपस का हमें बना के दिया है, बल्कि तकरीबन 2 अरब का इक्विपमेंट भी हमें दे रहे हैं, तो जिसके बाद ये पाकिस्तान का वन ऑफ द बेस्ट कैंपस में से एक कैंपस होगा, जहां बच्चे स्टूडेंट टीचर अपनी रिसर्च अपनी तालीम जारी रख सकेंगे। माशाल्लाह। अच्छा सर, जो नए बच्चे बच्चियाँ जो आना चाह रहे हैं, AJK यूनिवर्सिटी में शामिल होना चाह रहे हैं, तो उनको क्या मैसेज देंगे आप? मैसेज ये है कि जी मैं उनको कहता हूँ कि जब इंतखाब करें तो ये देखें कि आपकी डिग्री हर जगह से मिल जाती है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप क्वालिटी एजुकेशन की तरफ जाएं, उन इदारों के अंदर जाएं जहां क्वालिटी बहुत बेहतर है। हमारे यहां इस यूनिवर्सिटी में तकरीबन 300 के करीब फैकल्टी मेंबर हैं, जिनमें से 150 PhDs हैं, और फिर इस इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ, इन इक्विपमेंट के साथ, इन लैब्स के साथ हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम एक बेहतरीन ट्रेंड यूथ जो है नेशन को दे सकें। और K2 के चैनल से K2 के नाज़रीन के से क्या कहेंगे? K2 में आप यहाँ तशरीफ़ लाएँ इस प्रोग्राम को कवरेज के लिए, आपने यूनिवर्सिटी को इंट्रोड्यूस करने के लिए, तो मैं आपका बड़ा शुक्रिया अदा करूँ। ये हमारे पहचान है K2, मैं इसको देखता रहता हूँ TV चैनल के ऊपर, ये पूरी इस पोठार रीजन का एक बड़ी रिकग्निशन है। मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ इस एफर्ट के लिए और आपका शुक्रिया भी अदा। अच्छा सर, 2005 के जलजले के बाद ये यूनिवर्सिटी तामीर की गई है, क्या इसमें क्या क्या सहूलियात हैं, ज़रा इस हवाले से हमें बताएँ। हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2005 के बाद जो है वो, क्योंकि हमारी यूनिवर्सिटी में तकरीबन 115 लोग शहीद हो गए थे, जिनमें स्टूडेंट्स और फैकल्टी के लोग भी शामिल थे, उसके बाद हम लोगों को बामर मजबूरी इस्लामाबाद शिफ्ट करनी पड़ी यूनिवर्सिटी। तकरीबन 1.5 साल यूनिवर्सिटी वहाँ शिफ्ट रही और यहाँ पर टर्की की तावन से सिटी कैंपस तामीर हुआ, जिसमें सिर्फ 1500 बच्चों की गुंजाइश मौजूद थी उस वक्त के हिसाब से।
तो बाद में जब लेटर आन जो स्टूडेंट्स भी बढ़ते गए, डिपार्टमेंट्स भी बढ़ते गए, तो तकरीबन वहाँ पर 7,000 बच्चे पढ़ रहे थे 1500 की गुंजाइश में 7,000। तो फिर सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से ये जो है, ये जो इस कैंपस को आप देख रहे हैं, तकरीबन ये उस वक्त 6 अरब रुपए की ग्रांट में उन्होंने इंटरनेशनल लेवल की टेंडरिंग करके इसको बनाया। इसमें इसकी इसमें बहुत सारी रुकावटें आती रहीं, क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ का स्टेक होल्डर नहीं थी, एरा सेरा और सऊदी फंड फॉर डेवलपमेंट SFD इसके ऊपर काम कर रहे थे। तो लेटर ऑन ये हुआ कि ये प्रोसेस ये तकरीबन 2012-13 में हमें मुकम्मल मिलना था, लेकिन ना मिल सका कई वजूहत की बिना पर, और इसकी कास्ट भी बढ़ती गई, तकरीबन ये 10 अरब रुपए इसकी कास्ट बन गई। और 2019 में ये मुकम्मल किया गया, और सऊदीज़ ने इसको मुकम्मल किया, टर्किश कंपनी के ज़रिए इसको मुकम्मल किया और हमारे हैंड ओवर किया। और उसके बाद एक शिफ्टिंग का मरहला था, तकरीबन 14 डिपार्टमेंट हमने यहाँ शिफ्ट करने थे, और हमने इस वक्त किए, इस वक्त तकरीबन यहाँ पर 6,000 के लगभग स्टूडेंट्स रोज़ सुबह आते हैं और जाते हैं। इसमें कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं, जब भी आप नए घर में जाते हैं, नई जगह पे जाते हैं, प्रॉब्लम्स भी आते हैं, तो वो भी आहिस्ता आहिस्ता साथ साथ चीज़ें ठीक हो रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये दूसरा कन्वोकेशन है जो हम यहाँ पर मुनक़द करवा रहे हैं, और इस ये 19वां कन्वोकेशन है, और इस कन्वोकेशन में तकरीबन जो है हम 12,000 से ज़्यादा डिग्रियाँ देंगे, और 2019 तक के जितने बच्चों ने हमसे पास आउट किया है। इस वक्त जो है इस कन्वोकेशन में 25 PhDs शामिल हैं, और अपना 49 गोल्ड मेडलिस्ट जिनको हम स्टेज के ऊपर जो है वो डेकोरेट करेंगे गोल्ड मेडल के साथ। तो तकरीबन 200 के करीब MPhil भी हैं इसमें, और बाकी जो है वो BS, MSc, MA, MSc, BA, BSc, LLB जितने प्रोग्राम्स हैं उनकी डिग्रियां भी यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट की जाएंगी। तो आज माशाल्लाह देखें, अल्लाह ताला गर्म किया कि बारिश भी नहीं हो सकी है नी, तो बहुत अच्छा माहौल है, और बच्चे अपने खुशी मना रहे हैं, और मैं तकरीबन तमाम तलबा तलबात और उनके वालदेन को खसूसी तौर पर मुबारकबाद पेश करता हूँ जो जिनके बच्चे आज यहाँ से ग्रेजुएट होने जा रहे हैं। अच्छा, मुझे बताएं कि सऊदी हुकूमत के तामर से जो ये यूनिवर्सिटी बनाई गई है, जदीद सहूलियात तो सारी मुयसर हैं, क्या कोई और कुछ ऐसा है जो बाकी हो? ये एक तो ये था कि बिल्डिंग्स तो बहुत अच्छी हमें बन गई, बहुत अच्छा कवर्ड एरिया है, और स्पेसिफिक चीज़ें हमें क्लास रूम, थिएटर हॉल्स, ऑडिटोरियम, हर चीज़ बनाई गई। इसमें एक प्रॉब्लम यह था कि हमारे पास, क्योंकि जलजिले में हमारे पास जो इक्विपमेंट था, लैब इक्विपमेंट जिस पर रिसर्च की जाती है, वो भी तबाह हो गया था। तो फिर जनाब वाइस चांसलर की खसूसी काविशों की वजह से सऊदी गवर्नमेंट ने हमें एक और प्रोजेक्ट दिया, तकरीबन कितना 10 अरब रुपए का एक और प्रोजेक्ट दिया, जो सिर्फ और सिर्फ इक्विपमेंट का है, जिसमें फिजिक्स के इक्विपमेंट शामिल हैं, केमिस्ट्री के हैं, कंप्यूटर साइंस के हैं, बॉटनी के हैं, और इसके अलावा और बहुत सारा इक्विपमेंट शामिल है, जो साइंटिफिक इक्विपमेंट, वो भी इंटरनेशनल टेंडरिंग करके वो हमें सिर्फ हमें वो इक्विपमेंट प्रोवाइड करेंगे। तो वो हमें उम्मीद है कि हम नेक्स्ट ईयर के शुरू में हमें डिलीवरी स्टार्ट हो जाएगी उसकी। तो जब वो कैंप वो चीज़ें भी यहाँ आ जाएंगी, तो इंशाल्लाह हमारा रिसर्च ओरिएंटेड जो है वो माहौल जो है वो और बेहतर हो जाएगा, और इसलिए तकरीबन ये समझ लें कि आज़ाद कश्मीर की पहली यूनिवर्सिटी और सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी है, और इंशाल्लाह इस इक्विपमेंट के हिसाब से सब पाकिस्तान की सबसे यूनिक यूनिवर्सिटी बन जाएगी इंशाल्लाह। अच्छा, जो वालदेन बच्चों के हवाले से परेशान होते हैं कि उनकी तालीम के हवाले से, तो उनको क्या मैसेज देंगे AJK यूनिवर्सिटी की तरफ? माशाल्लाह यहाँ पर बेहतरीन फैकल्टी मौजूद है, बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, और स्टेट ऑफ द आर्ट हमारे पास जो है इक्विपमेंट मौजूद है, पाकिस्तान की तमाम बड़ी यूनिवर्सिटियों से बेहतर चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि अभी दूसरा साल है, बच्चे इसमें मुजफ्फराबाद से ट्रैवल करते हैं जो छत्र क्लास 20 किलोमीटर की, इसकी वजह से थोड़ी सी उनको परेशानी है। तो अभी हमारी जो बसेज हैं वो हमारे पास कम हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता वो चीज़ें भी बढ़ रही हैं, तो इंशाल्लाह ये जो है ना आबाद होगा कैंपस, और इन पूरे पाकिस्तान का सबसे खूबसूरत कैंपस कहलाएगा इंशाल्लाह। क्या कहेंगे आज के इस कन्वोकेशन के हवाले से, कितनी खुश हैं और क्या समझती हैं आज अपने वालदेन को, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं उनको, आज का दिन तो बहुत खुशी का दिन है, और सबसे पहले अपने अल्लाह को शुक्र अदा करती हूँ, साथ साथ अपने पेरेंट्स का कि उन्होंने हमें साथ हमारा साथ दिया और हमें इस मकाम तक पहुँचाया। उनकी दुआएं हैं, उनकी मेहनत है दिन रात की जो हमें इस मकाम तक लेके आई है, तो बहुत अच्छी फीलिंग है और बहुत ब्लेस्ड फील कर रहे हैं। कितना मिस करेंगी इस दिन को अपनी ज़िंदगी में? बहुत ज़्यादा मिस करेंगे, ज़ाहिर है, एक बहुत यादें, 6-7 साल कोई छोटी टाइम नहीं होता। आपने जो यहाँ पे वक्त गुजारा, एक चीज़ जो आप लेके जा रहे हैं और आगे जो अपने मुल्क कौम को आप पहुँचाएँगे, तो ये वक्त तो ज़ाहिर है याद आएगा, और फिर आगे भी हम इतनी अपनी ये मेमोरीज़ आगे लोगों को ट्रांसफ़र करेंगे कि हमने इस तरह से किया। अच्छा, जो बच्चे बच्चियाँ आपका ये प्रोग्राम देख रही हैं, जो इंटरव्यू आपका देख रही हैं, उनको क्या मैसेज देंगी आज इस प्रोग्राम के तबसे से? इस प्रोग्राम के तवसल से मैं ये कहना चाहूँगी कि कभी हार ना माने, और एजुकेशन ऐसी चीज़ है जो कि हर बच्चे, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, उसका हक है,
और पेरेंट्स और जो बच्चे पढ़ रहे हैं और किसी मकाम में निकले हुए हैं, तो उनको मैं हमेशा ये कहूँगी कि वो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें और कि उनके माँ बाप ने किस तरह से मेहनत करके उनके उनको इस मकाम तक पहुँचाया है, तो इस चीज़ का ख्याल रखते हुए वो आगे पढ़ें और आगे कुछ नाम रोशन करें। क्या कहेंगे आज के दिन के बाद? जी, ये दिन किसी भी तालिब इल्म की ज़िंदगी में एक यादगार लम्हा होता है। आप जो है आपकी 16 साल एजुकेशन के बाद आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से 2 साल बाद एक डिग्री मिलती है, तो किसी भी वालदेन के लिए और किसी भी स्टूडेंट की ज़िंदगी में ये एक यादगार लम्हा होता है। और हम सब बहुत इस लम्हे पर बहुत खुश हैं कि हम आए, ये जो है ये एक हमारी ज़िंदगी में एक लम्हा आया है, एक मौका आया है। तो अल्लाह पाक का शुक्र अदा करते हैं कि हम जो है आज इस यूनिवर्सिटी ऑफ आज़ाद जम्मू कश्मीर से ग्रेजुएटेड हो रहे हैं। तो खुश ज़दा हैं या परेशान हैं, क्योंकि अब यहाँ पे आज मेरा ख्याल से आपका आखिरी दिन है? नहीं, मैं इंशाल्लाह इसी यूनिवर्सिटी से एमफिल भी कर रहा हूँ और मेरा आगे डिफेंस भी है, और मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि हमें ये AJK यूनिवर्सिटी में ने एक अच्छी सहूलियात फराहम किए हैं और हमारी AJK यूनिवर्सिटी की इंतज़ामिया से और साथ साथ गवर्नमेंट से ये अपील है कि इस यूनिवर्सिटी को थोड़ा और बिल्डअप करें, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर तो माशाल्लाह ये पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी से भी बेहतर है, लेकिन बाकी सहूलियात जैसे ट्रांसपोर्ट के इशूज़ हैं बच्चों को, उसके अलावा हॉस्टल्स के इशूज़ हैं, तो उसके अलावा हमारी कैंटीन अभी अच्छी तरह से नहीं है, वो ये आप हो जाए तो मैं समझता हूं कि AJK यूनिवर्सिटी पाकिस्तान की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों से अच्छी यूनिवर्सिटी बन सकती है। और माशाल्लाह AJK यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स आपको पाकिस्तान की अच्छी अच्छी जगहों पे आपको मिलेंगे, बस थोड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर तो बन चुका है, बस थोड़ा सा और अगर हुकूमत इसमें कोऑपरेट करे यूनिवर्सिटी इंतजामियों के साथ, तो मैं कहता हूँ ऐसी यूनिवर्सिटी आपको कहीं नहीं मिलेगी पाकिस्तान में भी। अच्छा, आप बताएं क्या समझते हैं कि यहाँ पर क्या कमी कोताही है जिसको जल्द अज जल्द पूरा किया जाए तो मज़ीद बेहतर जिस नतीजे आ सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कमी तो चूँकि हम खुद इस यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं, तो कमी कोताही हर इदारे में होती है, कोई भी इदारा परफेक्ट नहीं होता। लेकिन यह है कि जैसे स्टूडेंट्स को सबसे ज़्यादा जो मसला आ रहा है, चेल्ला में थे और सिटी कैंपस में थे, वहाँ सिटी था, हर चीज़ मैसर थी, सहूलियात थी। ये एक अलग जगह है और इसमें जो है वीरान सी जगह थी, यहाँ पे यूनिवर्सिटी बन चुकी है, लेकिन जो तलबा को सबसे ज़्यादा मसला हो रहा है वो एक तो ट्रांसपोर्ट का मसला हो रहा है, और ट्रांसपोर्ट के बाद तलबा को जो है वो बहुत सारे तलबा जो होते हैं, आपको पता है कि गरीब फैमिली से आके बड़ी मुश्किल से गुजर बसर करते हैं, तो सिटी में ये था कि कोई फर्स्ट टाइम पढ़ के सेकेंड टाइम होम ट्यूशन पढ़ा लेता था और अपना गुजारा कर लेता था, यहाँ पर उसका ये जो रिस्क लगा हुआ था वो कट गया है एक किस्म का, मैं समझता हूँ ये बड़ा नुकसान है तुलबा की अगर तनाजर में देखा जाए। बाकी सहूलियात के लिए यहाँ के पानी का बड़ा इशू है इस यूनिवर्सिटी का, बिजली का बड़ा एक इशू है, और उसके बाद अभी तक चूँकि एक साल ही हुआ है इसको शुरू हुए, उस तरह से स्टेबल नहीं हो पाई यूनिवर्सिटी, तो उम्मीद है कि जिस तरह से इंतज़ामिया है और हुकूमत है वो इस पर एक इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो उम्मीद है कि ये एक अच्छी तरह से एक दुनिया की टॉप क्लास यूनिवर्सिटी में या पाकिस्तान की टॉप क्लास यूनिवर्सिटी में शुमार होगा इसका। अच्छा, आज के दिन अपने वालदेन को क्या मैसेज देंगे यहाँ से? काश मैं यही कहूँगा कि एक साल पहले मेरी वालदा फोत हो गई हैं, तो मैं सेशन 2017 और 2019 का गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, तो आज के दिन तो अकेला ही आया हूँ, लेकिन वालदा होती तो उनको साथ लेकर आता तो मुझे ज़्यादा खुशी होती, और वालिद साहब दिल के आर्ज़े में मुब्तला हैं, वो भी नहीं आ सके, तो मेरे लिए ये खुशी का लम्हा भी है, लेकिन उसी के साथ गम और मुसरत की कश्मकश में मैं इस वक्त हूँ कि एक तरफ तो खुशी है मुझे गोल्ड मेडल मिलेगा और मैं डिग्री हासिल करूँगा, और दूसरी तरफ ये दुख है कि वालदैन साथ नहीं है, तो बस इस कश्मकश में मैं आज यहाँ पर इस तजब्जब में हूँ। नाज़रीन, जिस तरह बच्चे बच्चियां भी खुश हैं, इस तरह उनके वालदेन भी खुश हैं, इस तरह हम बात करते हैं कि आज के दिन ये क्या कहेंगे कि इनको कितनी खुशी है, क्या कहेंगे आप? मेरी बेटी ने फाइन आर्ट्स में BS किया है। अच्छा। मुझे बहुत बहुत खुशी हो रही है और उम्मीद है कि हम उसको गोल्ड मेडल मिलेगा। अच्छा, तो कैसा रहा आपका ये सफ़र जो बच्चे का यहाँ पर तालीम करा? खटन तो आप बड़ा वालदेन को खुशी होती है, हर मुश्किल के बाद आसानी होती है, तो हमें खुशी हुई है इसके उसको बचाने में ज़्यादा। ये बताएं, ये जो यूनिवर्सिटी का माहौल है और जिस तरह की ये बिल्डिंग्स हैं, इससे कितने मुतमिन हुए आप? ये है तो बहुत अच्छा, क्योंकि यानी शहर आत्म से बाहर है, तो हम ये जगह जो है वो
आबादी न होने की वजह से थोड़े बहुत मुश्किल हैं इनके लिए। गाड़ी में भी शहर से आने में कम से कम 1.5 घंटा लगता है इनको बच्चों को, और रात को देर तक पहुँचते वापस। कितना खुश हैं आज? बहुत खुश हूँ, बहुत एक्साइटेड हूँ, बहुत एक्साइटेड। आप कितनी खुश हैं? बहुत खुश हूँ अल्हम्दुलिल्लाह कि मुकम्मल हुआ मेरी बेटी का जो कोर्स था, गोल्ड मेडलिस्ट माशाल्लाह से, चौथी बेटी है, पांचवी भी यही इधरी पढ़ रही है, मास्टर कर रही है वो, बहुत खुशी हुई है। अल्लाह ताला सब बच्चियों को कामयाब करे। बच्चों से बाज़ औक़ात बंदा बात नहीं कर सकता, वो दिल की बात नहीं कर सकता, तो मैं ये चाह रहा हूँ कि आज K2 के तबस्से से आप वो बात करें जो अपने बच्चों से आप कहना चाह रहे हैं। ये हर वालदा अपनी बच्चियों से बहुत प्यार करती है, मतलब इजहार नहीं कर सकती है मतलब अपने प्यार का, और यही मतलब मेरे साथ है कि मैं नहीं इजहार कर सकती, लेकिन वालदा वालदा होती है और दिल से दुआ निकलती है अल्लाह ताला मेरी बच्चियों से सब बच्चियों को कामयाब करे। आमीन आमीन। अच्छा, और जो नाज़रीन हमारा यह प्रोग्राम देख रहे हैं उनको क्या मैसेज देंगी आज? मेरा मैसेज यही है कि बच्चियों को एतमाद में लेना चाहिए, एतमाद देना चाहिए, उन पर ट्रस्ट करना चाहिए कि बेटों से ज़्यादा बेटियां जो हैं वो कामयाब होती हैं और अपने वालदैन का ख्याल रखती हैं। आप आज के दिन कितनी खुश हैं, और जो वालदैन ये प्रोग्राम देख रहे हैं उनको क्या कहेंगे, क्या मैसेज देंगे? बस ये कि अपने बच्चों पर बहुत तवज्जो दें, तो उनको सही तरीके से गाइड करें। आजकल का माहौल बहुत ख़राब जैसे जा रहा है, हर तरीके से उनको गाइड करें। तो बस यही हम कहना चाहते हैं कि बच्चे भी अपनी तरफ से माँ बाप की तरफ ज़्यादा तवज्जो दें, तो अपनी तालीम की तरफ ज़्यादा तवज्जो दें, अल्लाह उनको कामयाब करें और आगे कामयाबियाँ नसीब हों, जैसे हमारी बच्ची को कामयाबी नसीब हुई है, अल्लाह ताला सब बच्चियों को कामयाबी नसीब करें। अच्छा, मुझे ये बताएं, फासला काफ़ी है, 21 किलोमीटर के करीब है मुजफ़्फ़राबाद से, तो क्या परेशान नहीं होती थी? हाँ नहीं, ये मेरी बेटी ने तो पहले कर लिया था, लेकिन यहाँ इस वक्त हम आए हैं तो काफ़ी दूर, जो रेगुलर रोज़ आते हैं बच्चियाँ वो काफ़ी परेशान होती होंगी, क्योंकि जाहिर रास्ते में रास्ता ख़राब भी बहुत है और यहाँ स्लाइडिंग वगैरह का भी बहुत ख़तरा रहता है, तो लेकिन ये कि उनको ज़्यादा ईजी यहाँ लगता होगा, तभी कुछ ना कुछ किसी वजह से ही उन्होंने इधर बनाई है कि ईजी भी है इधर, माहौल तो बहुत अच्छा है, लेकिन रास्ते का ज़रा है तो वो फिर थोड़ा सा करना पड़ेगा सबको ही, तो वैसे बहुत अच्छा, बड़ी अच्छी जगह चूज़ किया उन्होंने और खूबसूरत बनाया भी, बड़ा अच्छा खूबसूरत बनाया और माहौल भी अच्छा लग रहा है, तो हम तो फर्स्ट टाइम आए हैं तो बड़ा खुश हुए हैं कि शुक्र है पाकिस्तान की तरह इधर भी काफ़ी अच्छा सेटअप बहुत अच्छा हो गया। अब आज के क्वालिफिकेशन के हवाले से क्या कहेंगी, कितनी खुशी है आपको? मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है, और मेरी इस डिग्री के असली हकदार मेरे माँ बाप हैं, इन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है और मैं सच में बहुत ज़्यादा खुश हूँ, और इस पल का मुझे बहुत टाइम से वेट था। तो क्या कहेंगी यूनिवर्सिटी ऑफ आज़ाद जम्मू कश्मीर के जो किंग अब्दुल्ला डिपार्टमेंट है, जो ये वाला कैंपस है, कैसा है माहौल, कैसा है, और क्या यहाँ पे मतलब आपको क्या लगता है, क्या कमी कोताही है या जदीद सहूलियात जो दस्तियाब हैं वो काफ़ी हैं यहाँ? जी अभी तक तो काफ़ी हैं, मतलब यहाँ पे ये कैंपस भी अच्छा है, ये जो बना है ये काफ़ी बड़ा कैंपस भी है, और यहाँ पे अभी मतलब तकरीबन सारे डिपार्टमेंट्स हैं, अब जो डिपार्टमेंट्स नहीं हैं उनको यहाँ पे लाना चाहिए। माहौल कैसा लगा रहा आपको? माहौल बहुत अच्छा था, बाकी यूनिवर्सिटीज़ के मुकाबले में यहाँ पे मतलब एक पर्दा भी है और हमारे बड़ा अच्छा इन्वायरमेंट है हमारी यूनिवर्सिटी का। क्या कहेंगे आप, आपकी बेटी आज डिग्री ले चुकी हैं, कैसा लग रहा है आपको? माशाल्लाह मुझे बहुत अच्छा लगा है, जो हम लोग इस पर मेहनत की है तो वो इसने अच्छा रिजल्ट दिया और हमें अच्छा रिजल्ट मिला है इसका, और बाकी सब बच्चों का भी अच्छा ही रिजल्ट मिला है। क्या कहेंगी आप, आज आप कामयाब हो गई हैं माशाल्लाह, क्या कहेंगी आज के दिन के हवाले से वालदेन को, बच्चों को? मैं आज तो सबसे पहले सब बच्चों को मुबारकबाद पेश करती हूँ कि जिनकी मेहनत रंग लाई, जिन्होंने अब ये 4 साल के बाद उनको ये दिन देखना नसीब हुआ, और इनके उस्तादा कराम को मुबारकबाद पेश करती हूँ, और आज मैं इसलिए भी खुश हूँ कि मेरी बेटी ने डिग्री ली और इंशाल्लाह ये मुल्क को कौम की खिदमत करेगी। अच्छा, मैंने अभी ये सुना है कि बेटी ने तो कहा कि डिग्री मैंने नहीं मेरे वालदेन ने ली है, तो फिर बेटी ने कैसे ले ली, क्या कहेंगे? बेटी की खुशी है कि उसने देखा कि मेरे पेरेंट्स ने बचपन से इस वक्त तक मुझे इस मुकाम तक पहुँचाया, उस्तादा ने इस मुकाम तक पहुँचाया, तो इसलिए बेटी ने डिग्री अपने पेरेंट्स के नाम की है। डिग्री का हकदार मेरे पेरेंट्स भी हैं और मेरे टीचर्स भी हैं, जो मतलब मुझे इस मुकाम तक जिन्होंने पहुँचाया है। अच्छा मैम, मुझे ये बताएं आपका नाम क्या है, और मुझे ये बता दें कि शहर से दूर भी है यूनिवर्सिटी मगर बहुत खूबसूरत लोकेशन पे है, क्या कहेंगे इस हवाले से आप?
बहुत शुक्रिया डॉक्टर रुखसाना खान, हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट आर्ट एंड डिज़ाइन, और किंग अब्दुल्ला कैंपस में ही मैं रहती हूँ। बॉर्डन हॉस्टल भी हूँ गर्ल्स, इंतहाई खूबसूरत इन्वायरमेंट है, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है जेलम है और केपीके का भी व्यू है। तो मैं समझती हूँ कि ये जो कैंपस है केईसी, ये पाकिस्तान के क्या दुनिया के बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ का खूबसूरत तरीन कैंपस शुमार होता है, और इसकी इन्वायरमेंट जो है वो स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही अच्छी है। शहर से दूर, आपको पता है कि शहर एक्सपेंड हो रहे हैं, तो मेरे हिसाब से ये बहुत ही आइडियल जगह है, और यहाँ पर लोगों को चाहिए कि अपने बच्चों को भेजें, और यहाँ पे हॉस्टल की फैसिलिटी भी आप ऊपर देख सकते हैं, बॉयज़ और गर्ल्स हॉस्टल भी हैं। सो अच्छा, मुझे ये बताएं, सऊदी हुकूमत के तामन से बना है, ठीक है, 2005 के बाद, तो मुझे ये बताएं क्या यहाँ पे जदीद सहूलियात तमाम दस्तियाब हैं, और जो वालदेन अपने बच्चों को यहाँ पे दाखिल करवाना चाहें तो उनके लिए क्या मैसेज कहेंगे कि वो क्यों दाखिल करवाएं? अच्छा, एक तो बात ये कि आपको पता है जब आप दूसरी किसी जगह पे जाके कैंपस शिफ्ट करते हैं तो अल्टीमेटली एक डेढ़ साल हो गया इसको, लेकिन अब आप इंफ्रास्ट्रक्चर का ख़ुद भी अंदाज़ा कर सकते हैं, इंतहाई खूबसूरत प्लेग्राउंड है, बाकी जगह हैं, और बॉयज़ गर्ल्स हॉस्टल्स हैं, जिम है, हर चीज़ है। तो मैं समझती हूँ कि आइडियल जगह है कि जवानों को हम इंगेज करें कि ना सिर्फ एजुकेशन के साथ साथ वो एक ऐसे इन्वायरमेंट में रहें यहाँ पर जहाँ पर अपनी वो खेल कूद में भी और बाकी सरगर्मियों में भी हिस्सा ले सकें। तो मैं समझती हूँ कि उस हिसाब से ये आइडियल जगह है, और इंफ्रास्ट्रक्चर में ज़ाहिर है आपको पता है कि थोड़ी बहुत गुंजाइश रहती है, लेकिन वक्त के साथ साथ वो चीज़ें भी कवर अप हो जाती हैं, और अभी तो मैं समझती हूँ कि 70-80% हमारी जो फैसिलिटीज़ हैं यहाँ पे मौजूद हैं, तो बाकी भी आपको पता है कि वक्त के साथ साथ चीज़ों में इंप्रूवमेंट की गुंजाइश। आज के दिन के हवाले से क्या कहेंगे क्वालिफिकेशन के? आज के ये बच्चों की फेस्टिविटी, बच्चों की ज़िंदगी का एक इंपॉर्टेंट दिन है, स्पेशली जिन बच्चों ने यहाँ से फारग हुए हैं, जिनने डिग्री प्रोग्राम्स और BS प्रोग्राम्स, MPhil और PhDs किए हैं, तो मेरा ख्याल है ये उनकी ज़िंदगी का बहुत इंपॉर्टेंट दिन है, और मेरा उनको यही मेरी नेक ख्वाहिशात है उनके साथ, और जो उनने एजुकेशन यहाँ से हासिल की वो अपनी आइंदा आने वाली ज़िंदगी में उसको यूटिलाइज़ करें, और अपने मुस्तकबिल में उनको किसी भी किस्म का जो भी AJK यूनिवर्सिटी ने उनको स्किल्स और प्रोफेशनल ट्रेनिंग दी है वो उसको सामने रखते हुए अपना रोल अदा करें। मेरी तो यही आज के दिन में नसीहत भी और ख्वाहिश भी यही है। अच्छा, मुझे ये बताएं आज के दिन आपको, ज़ाहिर है आप भी इस टाइम से गुजर चुकी हुई हैं, क्या वो दिन याद आ रहा है? ऑफकोर्स, हाँ, टीचर्स फैकल्टी के लिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात होती है कि वो खुद स्टूडेंट्स होते हैं लेकिन फिर वो स्टूडेंट्स के दरमियान ही रहते हैं, तो मेरा ख्याल है ये कुछ लोगों को ज़िंदगी में इस तरह की चीज़ें नसीब होती हैं, तो उस्ताद भी उनमें से एक जो है सेगमेंट है सोसाइटी का जिसको थ्रू आउट यूथ के साथ रहना पड़ता है, तो इसलिए यूथ की जो है एक तो हमें यादें भी होती हैं, फिर हम अपनी जो हमने वक्त गुजारा होता है उनके सामने रख पर भी हम बच्चों की ट्रेनिंग करते हैं। आज के दिन के हवाले से क्या कहेंगे, कितनी खुशी है आप? आज के दिन के हवाले से तो मैं यही कहूँगी, हर ज़ाहरी बात है हर स्टूडेंट को इस दिन के हवाले से बहुत, आपको पता है, इंतज़ार होता है, तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, मैं गिलगित से आई हूँ स्पेशली इस इवेंट को ज्वाइन करने। ठीक है, और गिलगित का मौसम कैसा है? गिलगित का जैसे मुजफ्फराबाद का है वैसे सेम गिलगित का भी, तो बस मैं यही कहूँगी कि ये मेरे लिए, मेरे पेरेंट्स के लिए बहुत खुशी का दिन है। और गिलगित की आवाम के लिए, जो बच्चियां, जो बच्चे देख रहे होंगे आपका ये प्रोग्राम देखेंगे, तो उनके लिए क्या मैसेज देंगी आप वहाँ पे, क्योंकि आप इतने दूर से यहाँ पे AJK यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ने के लिए आई हैं, और आपने ये इंतखाब क्यों किया? जाहिर बात है एक कंट्री के लिए भी तो ये बहुत ही अच्छा उनके लिए होता है कि उनकी जगह का कोई बंदा, एक एजुकेटेड बंदा आ जाए, ये भी तो एक मुल्क और एक जगह, एक विलेज जो भी हो उसके लिए बहुत फ़ख्र की बात होती है। तो इंशाल्लाह मैं अपने गिलगित के लिए मैं यही कहूँगी जो मुझसे हो सके मैं अपने मुल्क और मैं अपने उस जगह के लिए मैं करूँगी। अच्छा, क्या कहेंगे, माशाल्लाह आज खुशी का मौका तो है ही है, कितना खुश हैं आप, और आज के दिन के हवाले से आप क्या कहेंगे? लेकिन जो बच्चे जब पैदा होते हैं उसके बाद वालदेन की यही कोशिश होती है कि उनकी कफालत अच्छी हो, उनकी तरबियत अच्छी हो, तो अल्लाह ताला ने मुझे मौका दिया है, तो मेरी बेटी ने बड़ी मेहनत की है, आज वो स्कॉलर है, तो ये सब आलमाटी अल्लाह की ग्रेस है, उनकी ब्लेसिंग है, जिसकी वजह से आज ये इस मुकाम पर पहुँची है, तो बहुत खुशी होती है कि बच्ची किसी मुकाम पर पहुँच जाए, उसका फ्यूचर सिक्योर हो जाता है, तो बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ कि मैं आज किसी ऐसे मुकाम पर पहुँच चुका हूँ कि जहाँ मेरा टारगेट था और मेरी बेटी वहाँ पे पहुँच गई है। आपकी मेहनत रंग लाई है, बेशक, कोई शक नहीं, इसमें सिर्फ मेरे अल्लाह ताला का जो उन्होंने मुझे हिम्मत दी है, ताकत दी है, और इस काबिल बनाया है कि मैंने बच्चियों की तरबियत भी अच्छी की है, और अल्लाह ताला ने इस मुकाम पर बचाया है, और मैं आप लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूँ K2 का कि वो यहाँ पे आए और उन्होंने बड़ा अच्छा प्रोग्राम कंडक्ट किया है,
और आप लोग बड़े मेहनती हैं और इतने दूर कश्मीर में इस वक्त सर्दी भी है और मौसम भी ऐसा हुनकी हो गया कि आप लोगों ने यहाँ पे मेहनत की और यहाँ पे सब बच्चों को खुश किया है। तो अल्लाह ताला आपको कायम दायम रखे, अल्लाह इस टीवी को, इस चैनल को और दिन दुगनी रात दुगनी तरक्की दें। आज़ाद कश्मीर यूनिवर्सिटी में 19वां कॉन्वोकेशन इख्तिताम पज़ीर हुआ। अपने मेज़बान अरफान अकरम को दे दी इजाज़त, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।